दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरा चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूं वो निकला है ONGC की तरफ से। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं डेली बेसिस में जितना भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का निकल रहा है स्टेट वाइज या फिर सेंट्रल वाइज मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपको भी इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको जितना भी जॉब का अपडेट निकल रहा है सबका करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। तो अभी का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये ONGC की तरफ से निकला है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट शुरू हो रहा है 14 मार्च 2019 और क्लोजिंग डेट है 28 मार्च 2019। 28 मार्च के अंदर में इसको आपको फिलअप करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका लोकेशन सीट्स सब मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। नॉर्थन सेक्टर में यहाँ पे देहरादून, OVL, दिल्ली और जोधपुर में यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी 62 है, जो कि आपका अकाउंटेंट, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब पोस्ट है यहाँ पे। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये सब पोस्ट है यहाँ पे, 62 पोस्ट है। वैसे ही मुंबई सेक्टर में जो आ रहा है आपका टोटल पोजीशन है 20 यहाँ पे मुंबई में 445 पोस्ट है यहाँ पे मुंबई में टोटल पोस्ट मिला के। और मुंबई में भी वही आपका पोस्ट है अकाउंटेंट, HR, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। गोवा में दोस्तों आपका टोटल 24 पोस्ट है। पोस्ट सब में जो है जो आपका प्रोफाइल है सेम है, जो जॉब सब निकल रहा है। हजीरा में आपका टोटल है 164 पोस्ट। यूरान में आपका टोटल पोस्ट है 745 टोटल मिला के जितना भी पोस्ट है। और इसके बाद दोस्तों आपका आ रहा है जो वेस्टर्न सेक्टर में आएंगे, केम्बे जो लोकेशन है यहाँ पे 86 पोस्ट है। वडोदरा में आपका 178, अंकिशपुर में आपका 474, अहमदाबाद में आपका 483, मेहसा में आपका 367 पोस्ट यहाँ पे है जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। और वेस्टर्न सेक्टर में टोटल आपका 1588 पोस्ट है, 1558 पोस्ट है वेस्टर्न सेक्टर में। तो मैं आपको उसका जो सब सेक्शन है सब मैं बता दिया। अभी ईस्टर्न रीजन में अगर आते हैं तो यहाँ पे जोरहाट में आपका 95, सिलचर में आपका 49, नाजिर एंड सिवागर एक लोकेशन है यहाँ पे 625। तो टोटल आपका 769 पोस्ट है ईस्टर्न रीजन में। वैसे अगर साउथर्न रीजन में आएंगे तो चेन्नई में 68, काकीनाडा में 51, राजमिंद्री में आपका टोटल आ रहा है 306, करईकेल में आपका टोटल 228। तो टोटल यहाँ पे आपका 653 आ रहा है साउथ रीजन में। सेंट्रल में आपका अगरतला में 149, कोलकाता में आपका आ रहा है 48, तो 197 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। अभी जो पोस्ट सब है इनका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में मैं बता देता हूँ। जो एज लिमिट है मैक्सिमम 24 इयर्स रखा गया है जो जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट जो कैटेगरी में आते हैं 27 ईयर्स, SC ST में 29 और PWD में आपका 10 ईयर का यहाँ पे रिडक्शन रखा गया है। अभी यहाँ पे दोस्तों जो अकाउंटेंट का पोस्ट जो सब निकला है यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन ग्रेजुएशन कॉमर्स मांगा है अकाउंटेंट का जितना पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स में जो है BA और BBA किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन BA और BBA, तो आपका MBA जो HR या फिर HR का कोई कोर्स ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप तो कॉमन अगर ग्रेजुएशन BA के हुए तो और BBA के हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में आपका ITI इन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, बाकी जितना भी जॉब है इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, ये सब में ITI मांगा है वही सेगमेंट में। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका BSc विद PCM और PCB अगर किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI लैब असिस्ट में अगर किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो पोस्ट और ट्रेड सब है यहाँ पे ITI है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का आता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, यहाँ पे डिप्लोमा आपका जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो डिप्लोमा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं रीजन में पहले देख लीजिए कौन कौन सा जो आपका प्रोफाइल का जॉब सम है उसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो सैलरी रखा गया है जो ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा जो इंडियन स्टाइपेंड एक्ट के हिसाब से जो सैलरी है वो मिलेगा। और यहाँ पे टोटल कितना मिलेगा वो नहीं बताया है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मार्क में आपका जो मिनिमम मार्क 45% रहना चाहिए जो जनरल कैटेगरी के लिए एग्रीगेट, और OBC कैटेगरी और SC ST जो है SC ST कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे मार्क रखा गया है। इसको अप्लाई, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर भी ईजी है, मार्क बेसिस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे। और इसको अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन में, ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले एक बार,
उसके बाद आपको अप्लाई करना है। इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसके थ्रू में जाके आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 28 मार्च 2019। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज्वाइनिंग डेट दे दिया है 15 अप्रैल, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बहुत जल्दी होगा और ज्वाइनिंग भी ये है जल्दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन में पोस्टिंग भी होगा यहाँ पे बता दिया। जैसे आप ईस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन, जो भी रीजन में बिलोंग करते हैं यहाँ पे लोकेशन और पोस्टिंग भी दे दिया है। जैसे यहाँ पे एक तो एग्जांपल देता हूँ, कोलकाता रीजन में आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ऑल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दिया है ऑल डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ही आपका अहमदाबाद में अगर करते हैं गुजरात में तो ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे लोकेशन और पोस्टिंग भी दे दिया है। तो इसीलिए जॉब उन लोगों के लिए है जो लोग फ्रेशर हैं, अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए भी एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ही अच्छा ये काम देगा, क्योंकि ONGC जो नवरत्न कैटेगरी में आता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।